रक्षाबंधन आने वाला है, कब तक मार्केट जाओगे सेम घिसी पिटी मिठाइयां खरीदोगे? क्यों ना इस बार घर पे कुछ इनोवेटिव बनाया जाए। आई एम गोइंग टू गिव यू चॉकलेट समोसा विद समथिंग हटके चटनी। समोसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं समोसा पट्टी, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मैदा को गूंद के पतली पतली ये शीट्स बेल लें, ठीक है। इसको बीच से टू हाफ करना है, मैंने यहाँ एक पेस्ट बना रखा है जो कि है मैदा और पानी का, इसको स्लरी बोलते हैं। ये जो स्लरी बनाई हमने ये बेसिकली गोंद की तरह काम करती है। तो ये कोन बनाना है, ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से कोन बनाने हैं। हमारे पास है कुछ अमेजिंग मिल्क चॉकलेट और थोड़े से नट्स, नट्स गए इसके अंदर और अभी इसको करना है सील। सील कैसे करेंगे? सेम चीज, ये थोड़ी सी पेस्ट इसके ऊपर। एक बात के ध्यान रखें कि आपका कोन जो है ना वो परफेक्टली सील हो। जैसा कि दिख रहा है समोसे बिल्कुल रेडी हैं, मैंने बाकी रेडी कर लिया है। अब इसको डीप फ्राई करना है गरम तेल में। इंश्योर कि तेल गरम हो आपका और हल्के हाथों से तेल में ड्रॉप कर दीजिए। जो ये ठंडा चॉकलेट है वो इसके अंदर जाते ही बिल्कुल मेल्ट होएगा, एंड देन व्हेन यू ईट इट इन लाइक फ्लेवर्स। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये सुनहरा ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर। एंड आई एम डन, लुक एट द कलर, ब्यूटिफुल ब्राउन कलर। अब बनाएंगे चटनी। मेरे पास यहाँ है व्हाइट चॉकलेट गनाश। व्हाइट चॉकलेट गनाश बनता है बेसिकली व्हाइट चॉकलेट और मिल्क या क्रीम के मिक्सचर से, ठीक है। ये बना रखा है 2:1, 2 चॉकलेट 1 मिल्क बस। और चटनी होती है हमेशा हरे कलर की, तो हम इसको भी बनाएंगे हरे कलर का। मेरे पास है फूड कलरिंग थोड़ी सी, तो मैं इसमें डालूंगा हल्का सा फूड कलर। चटनी रेडी हो गई, समोसा रेडी हो गया, किस चीज का वेट कर रहे हैं? लेट्स प्लेट एंड ईट। चॉकलेट समोसा रेडी है, चटनी रेडी है, आप भी रेडी हो जाओ। लेट्स हैव अ स्वीट बिगिनिंग ऑन दिस रक्षाबंधन, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आउट देयर।